यूपी के कौशाम्बी में अज्ञात किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। रेप के बाद किशोरी की गला घोटकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना चरवा थाना इलाके के पनोई गाँव के समीप ईंट भट्टे की है, जहाँ रविवार की सुबह लोगों ने एक बोरे में बंधा किशोरी का शव पड़ा देखा। घटना की सूचना के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। क्राइम सीन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शव को ठिकाने लगाया गया है। घटना के बाबत सर्किल अफसर किशन गोपाल सिंह ने बताया कि शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। तफ्तीश के दौरान कुछ अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही घटना का खुलासा कर हत्या आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, सुबह करीब 7-8 बजे के आसपास सूचना हमारे पास आई कि एक अज्ञात युवती का जो है बोरे में भरा हुआ शव चरवा थाना क्षेत्र में भरा हुआ है। तत्काल हम लोग मौके पहुँचे, देखे उसको ओपन करवाया गया। उसमें एक करीब जो देखने से लग रहा था कि 16-17 साल की युवती का शव लग रहा था, और तत्काल उसको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जो जितने स्थान हैं जो आसपास के हैं, मैं पर्सनली जो जाकर सर्च करवाया हूँ, कुछ उस बारे में मतलब जानकारियाँ भी हम लोगों को मिली हैं, और वहाँ से एक चोकर की बोरी का भी मिली थी जिसमें चोकर भरा हुआ था मटर के छिलके का। और आसपास जितने गांव हैं वहाँ हम लोगों ने उस युवती की पहचान के लिए जो अपनी टीमें लगा रखी हैं, सीधी घटना का हम लोग अनावरण करेंगे।